टोटल लेंक्स हो गए स्वेटर्स हो गए एंड स्वेटर्स लेट मी यू एक बहुत ही मेजर पार्ट है विंटर सीजन में ओल्ड मनी एस का ओल्ड मनी क्लोथिंग बेसिकली वो कपड़े हैं जिनके ऊपर मिनिमल स्टाइल्स है या तो या फिर कोई लेकिन भी नहीं आपने मार्ग के कपड़े देखे है? एक ग्रे कलर की टी शर्ट है, है लेकिन हम लोग जानते हैं मार्ग जगह के पास में कितने पैसे है वो चाहे तो दुनिया का कोई भी ब्रांड पहन सकता है लेकिन ही चूजेज टू वेर अ सिंपल प्लेन टी शर्ट उसके अलावा अलॉन मास्क या फिर जेफ बेजोस इन लोगों की स्टाइलिंग बिल्कुल मिनिमल है दिस गाइज वेयर क्लासिक क्लोज एंड ओल्ड मनी एस यही है क्लासी कपड़े पहनना जो देखने में एक बहुत ही लग्जूरियस वाइफ दे बहुत ही रिच लुक दे साथ ही हो बिल्कुल मिनिमल यानी उनके ऊपर कोई भी प्रिंट नहीं होने चाहिए टेक्सचर आपके फैब्रिक के अंदर हो सकता है लेकिन कोई भी प्रिंट नहीं होगा कोई भी ब्रांडिंग नजर नहीं आएगी लेकिन जो उसकी वाइब होगी जो फील होगी ना कपड़ों हो की जो स्टाइलिंग होगी वो बहुत ही रिच लुक देगी गुप्ता वेलकम बैक टू द क्लासिक अफेयर तो भाई इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बजट में ओल्ड मनी क्लोदिंग के बारे में जो कि आप लोग इजिली सोर्स कर सकते हो फ्रॉम वेबसाइट लाइक एमेजन अब यार मैं आप लोगों को आउटफिट दिखाना शुरू करूं उसके पहले दो तीन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों को नोट करने चाहिए नंबर वन इज की आपके आउटफिट पर आपके टॉप या आपके बॉटम वेयर पर नो मैटर वॉट वो कितना ही महंगा क्यों ना हो कुछ भी ब्रांड या फिर कोई भी प्रिंट नहीं होना चाहिए फिर आता है हमारा पॉइंट नंबर टू जो आपके आउटफिट की फिटिंग है ना वो या तो आपका रेगुलर फिट होना चाहिए या फिर स्लिम फिट होना चाहिए केनी फिट या फिर बैगी फिट वाले कपड़े इस केस में नहीं चलेंगे फिर आता है हमारा पॉइंट नंबर थ्री जो कि रिलेटेड है टू योर बॉटम वेर अब यार ओल्ड मनी में क्या कीज हम नहीं कर सकते वो है नंबर वन आप लोग जीन्स नहीं पहन सकते हो बिकॉज जीस कम ऑफ एज वेरी कैजुअल आउटफिट फिर आता है नंबर इज बागी पैंट्स और बागी ट्राउजर्स आप वो नहीं पहन सकते क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रीट वेयर वाली वाइब देता है इट इज नॉट क्लासी यार देखो अगर आप लोग ओल्ड मनी के बारे में क्लोजली नोट करोगे ना तो ओल्ड मनी के अंदर जनरली चलती है फॉर्मल ट्राउजर्स एंड फॉर्मल ट्राउजर्स में भी वो वाली जिसमें आप लोग देखते हो कि प्लीट्स होती है अब सिंस हम लोग दो में रह रहे हैं एंड ये एक ट्रेंड है अभी चल रहा है लेकिन पता नहीं कितने टाइम तक चलेगा तो आपके लिए मैं कहूंगा ऐसी इन्वेस्टमेंट शायद लॉन्ग रन में फाइल ना रहे इसलिए मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से यू कैन गो फॉर फॉर्मल ट्राउजर्स जो कि स्लिम फिट फिट हो हो सकती है, हो सकती है है रेगुलर या फिर भी इस केस में वर्क कर सकती है प्रोवाइडेड आपकी चीनो स्लिम फिट हो या फिर रेगुलर फिट फिट हो लेकिन कुछ भी नहीं चलेगा लेकिन भाई इसके अलावा कुछ और है जो कि आपका ओल्ड मनी के अंदर काउंट नहीं होगा फिर ओल्ड मनी में सूट नहीं करेगा भाई साहब आपकी जैकेट्स जो है वो नहीं चलेंगी मतलब सूट्स पहन सकते हो सूट की जो जैकेट है वो पहन सकते हो लेकिन कोई भी कैजुअल जैकेट है फिर कोई भी स्ट्रीट वेयर जैकेट जो भी है वो ओल्ड मनी वाइक के अंदर काउंट नहीं होगी मैं मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि स्कूल का कोई एग्जाम चल रहा है और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें अलाउड है लेकर आनी और क्या क्या अलाउड नहीं है फिर बात करें कलर्स के बारे में तो यार न्यूट्रल कलर जो है ना वो ही ओल्ड मनी एस्थेटिक को सूट करेंगे जैसे आपका ये ग्रे हो गया देन बेज वी हैव एंड हो गए आपके ऑफ वाइट हो गए ब्लैक भी एक बार को आप कंसिडर कर सकते हो लेकिन आप लोगों को मेश्योर करना है कि कलर आप लोगों को न्यूट्रल लगने हैं कोई भी चटक कलर नहीं चलेगा जैसे आप लोगों का न्यून ग्रीन हो गया वो नहीं चलेगा अदर देन दैट पिंक हो गया पिंक वर्ल्ड वर्क लैवेंडर लाइ कलर ये भी नहीं चलेंगे और यहाँ पे मैंने एक दो तो कलर से एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ जैसे हमारे यहाँ पे बाइन कलर अवेलेबल है उसके अलावा दिस मरून वन तो इससे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हम लोग ओल्ड मनी वाइब कैसे क्रिएट कर सकते हैं विद अ ऑफ मॉडर्न टच तो चलो यार बिना याराइम से स्टार्ट करते हैं हमारा आउटफिट नंबर वन के साथ में जो कि होने वाला है ये लाइट ब्राउन कलर का स्वेटर इज फ्रॉम द ब्रांड सिंबल एंड ये अवेलेबल है ऑन एमजॉन बात की जाए इसके लुक के बारे में तो दिस इज गॉट अ केबल ने जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है एंड एक बात यार मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा कि

फिट मैंने आप लोगों को जैसे मना किया था वो मैंने यहां पे नहीं पहनी क्योंकि भाई वो बिल्कुल भी अच्छी लुक नहीं देगा इसलिए आई गोन फॉर अ व्हाइट स्लिम फिट ट्राउजर्स एंड ये कलर जो है बहुत ही वर्सेटाइल है तो आप लोग ना इसको डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन के साथ में अप कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल व्हाइट के साथ में बहुत अच्छा लग रहा है ऑफ व्हाइट के साथ में बहुत अच्छा लगेगा आप लोग ब्लैक भी ट्राई कर सकते हो और डार्क ब्राउन भी ट्राई कर सकते हो इसके बाद मैं आना चाहूंगा हमारे आउटफिट नंबर टू पर जो कि होने वाला है ये ग्रे कलर का स्वेटर एंड आप लोग देख सकते हो कि भाई बहुत ही प्रीमियम लग रहा है कलर जेनुअली एंड हम लोग सब जानते हैं कि ग्रे कलर एक बहुत ही प्रीमियम एंड एक रिच लुक वाला कलर है एंड श्योर आप लोगों ने बहुत सारे रिच लोगों को ग्रे कलर पहने हुए डेफिनेटली देखा होगा फॉर एक्जाम्पल मार्गकर वर्ग जो उनकी टी शर्ट का कलर है वो ग्रे ही है सो ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी रिच लुकिंग कलर एंड बात की जाए इसके डिजाइन के बारे में तो इसके ऊपर भी केबल नेट डिजाइन बना हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है अनलाइक पिछला वाला स्वेटर इसके अंदर आपको पूरे स्वेटर में केबल नेट डिजाइन मिल जाएगा इंक्लूडिंग इसकी आर्म्स इंक्लूडिंग इसकी बैक अगर मैं बात करूं उसके मटीरियल के बारे में तो हमारे पिछले स्वेटर जितना मोटा तो डेफिनेटली नहीं है लेकिन जो इसका केबल नेट डिजाइन है ना उसकी वजह से स्वेटर काफी थिक लगता है विच मीन की जो इसकी फॉल है वो भी डेफिनेटली बहुत अच्छी आएगी इसका नेक बैंड भी डिसेंट क्वालिटी का है एंड बात की जब प्राइस के बारे में तो डेफिनेटली इट इज वेरी बजट फ्रेंडली अब इसकी स्टाइलिंग की बात करूं तो इसको मैंने पेरप किया है यहाँ पे ब्लैक कलर की फॉर्मल ट्राउजर्स के साथ में जो कि एक बहुत ही रिच लुक डेफिनेटली दे रहा है एंड अगर आप लोग चाहो तो आप लोग ना इसको एक ब्लैक सूट के साथ में टू पीस सूट के साथ में अंदर भी पहन सकते हो इट विल लुक रियली वेरी गुड टॉकिंग अबाउट द कलर्स के कौन कौन से कलर्स के साथ में एक प्रीमियम लुक देगा तो यार मैं कहूंगा कि ब्लैक के साथ में इस स्वेटर की बहुत ही प्रीमियम लुक आएगी कोई और कलर है जो कि उस लेवल की प्रीमियम कर सकता है बट इफ यूज टू ट्राई दूस गो फॉर अ नेी ब्लू ट्राउजर उसके साथ में भी यह स्वेटर बहुत अच्छा लगेगा अगर लाइन के हिसाब से देखा जाए तो आइडियली मेरे को टोटल एक पिक करना चाहिए लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले मैं सारे स्वेटर्स वाइंड अप कर दू विच इज वायकिंग दिस पर्टिक्युलर स्वेटर जो कि हमारा ब्लू कल का है एंड नेवी एक बहुत ही बढ़िया कलर है एंड दिसम द ब्रांड कैंटेबल एंड भाई इसके ऊपर भी देखा जाए तो आप लोगों को केबल नेट डिजाइन मिलेगा लेकिन पूरे स्वेटर में केबल नेट नहीं है कुछ एरियाज में सिमिट्रिक डिजाइन के अंदर आप लोगों को केबल नेट मिलेगा जो कि एक बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है एंड वी ऑल नो की कंटेबल एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है आप लोग सब जानते हो तो जो इसका मटेरियल है इट इज अच्छा खासा है, ये स्वेटर वार्म भी होगा एंड उसके साथ साथ जो इसकी फॉल है वो भी डेफिनेटली बहुत अच्छी आप लोग की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा प्रीमियम मेटीरियल है ये एंड साथ ही जो इसके कफ्स है कफ्स के ऊपर भी इलास्टिक बैंड दिया हुआ है उसके ऊपर भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को फिटिंग देगा एंड ओवरऑल जो

बहुत ही बढ़िया डिजाइन है इट्स नॉट अ केबल एंड डिजाइन बट इट इज़ अ डिफरेंट वन लेकिन डिजाइन ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है बहुत ही मिनिमल लुक है इसका भी लेकिन जो कलर है इट इज़ वेरी गुड मतलब काफी प्रीमियम कलर है अब मैं इसको एग्जैक्टली ओल्ड मैनी एस्थेटिक वाली वाइब नहीं कहूंगा बिकॉज कलर जो है थोड़ा सा ना लाइक इट्स नॉट वेरी न्यूट्रल ऑफ कोर्स बहुत न्यूट्रल कलर नहीं है लेकिन देखने में पेयरिंग में स्टाइलिंग में डेफिनेटली ये भी काफी ज्यादा लग्जूरियस वाइब डेफिनेटली देगा एंड टॉकिंग मोर देन नेक बैंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी डिसेंट क्वालिटी है जो स्ट्रेचेबिलिटी है वो भी अच्छी है एंड जो इसके कफ्स पर एंड जो ये नीचे वाला पार्ट दिया स्वेटर का यहाँ पे भी स्ट्रेचेबिलिटी काफी अच्छी है विच मीनस इट विल फिट यू परफेक्टली काफी अच्छी फिटिंग होने वाली है स्वेटर की एंड सेंस एक डार्क कलर का स्वेटर है तो इसकी जो पेयरिंग मैं कहूंगा आप लोग इसको एक कॉन्ट्रास्टिंग कलर के साथ में पेरअप करो एंड जो बेस्ट कलर जाएगा इसके साथ में वो है आपका ऑफ व्हाइट एंड uh, इसको आप लोग अगर ऑल्टरनेटली मैं और कलर बोलूँ तो आप बेच के साथ में भी पेयरअप कर सकते हो लेकिन प्लीज़ किसी डार्क कलर के साथ में पेरअप करना अवॉइड करना वरना जो इसकी लुक है ना जो इसकी प्रीमियम नेस है जो उसकी प्रीमियम फील है जो लुक है आई I मीन mean, वो नहीं मिलने वाली इसी के साथ में हमारे स्वेटर्स हो चुके हैं कंप्लीट तो अब मैं आना चाहूंगा हमारे टोटल नेक्स की तरफ एंड द फर्स्ट वन इज दिस वाइन कलर का टोटल नेक जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है कलर देखने में एंड गाइज ये आई वुड से मॉडर्न डे स्टाइलिंग में डेफिनेटली फॉल करेगा लेकिन ओल्ड मनी वाइफ के हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक ये कलर ऐसा है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट जरूर है इट्स नॉट अ वेरी न्यूट्रल कलर लेकिन ओल्ड मनी स्टाइलिंग के हिसाब से आप इसको डेफिनेटली स्टाइल कर सकते हो अब इसके अंदर कुछ की एरियाज रहेंगे जैसे जो इसका नेक है टोटल नेक का आई वुड एडवाइस यू क्या कि आप लोग ना इसको बाहर की तरफ फोल्ड मत करना इसको आप लोग अंदर की तरफ में फोल्ड करो ताकि एक नेक लाइन जो है आपकी वो प्रोमिनेंटली विजिबल नहीं हो ऐसा लगे जो नेक है ना वो आपके आउटफिट का ही पार्ट है वो सेपरेटेड नहीं लगेगा बात की जाए इसके मटेरियल के बारे में तो बहुत ही बढ़िया मटीरियल है इट इज प्रति स्ट्रेचेबल आप लोग देख सकते हो कि काफी स्ट्रेचेबल है ये तो आपकी बॉडी के ऊपर फिटिंग तो डेफिनेटली बहुत अच्छी आने वाली है इसकी बात की जाए स्टाइलिंग के बारे में तो क्योंकि डार्क कलर का टोटल नेक है तो मैं आप लोग को एडवाइस करूंगा कि इसको आप लोग लाइट कलर के साथ नहीं पेरअप करना एंड जो कलर इसके साथ में सबसे बढ़िया लगेगा वो है नंबर वन व्हाइट एंड नंबर टू इज ऑफ व्हाइट उसके अलावा शायद इतनी प्रीमियम लोग इस पर्टिकुलर टोटल नेक के किसी और कलर के साथ में नहीं आने वाली चाहो तो आप लोग एक बेज कलर के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो तो चलो यार फाइनली मैं आना चाहूंगा हमारे लास्ट आउटफिट पर जो कि होने वाला है ये व्हाइट कलर का टोटल नेक एंड इसकी क्वालिटी के बारे में बात करी जाए डिसेंट इनफ क्वालिटी एंड जो इसकी फिटिंग है वो भी डेफिनेटली बहुत अच्छी आने वाली है टॉकिंग अबाउट द नेक तो यार सिमिलरली जैसे मैंने पिछले वाले में बताया आप लोग इसकी नेक को भी अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना ताकि वो ज्यादा एक अच्छी लुक दे एंड uh, बात की जाए इसकी स्टाइलिंग के बारे में तो मैं आप लोग एडवाइस करूंगा कि इसको भी आप लोग न्यूट्रल कलर साथ पेर के साथ में अप करो एंड अर्दी टोन्स के साथ में डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा एंड क्योंकि यार ये लाइट कलर का है तो आई वुड एडवाइस यू कि आप लोग रादर इसको डार्कर कलर से पेरअप करो तो आप लोग इसको बेच कलर के साथ में कर सकते हो बहुत अच्छा लगेगा उसके अलावा यू कैन गो फॉर डार्क ब्राउन एंड ब्लैक के साथ में व्हाइट का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली बहुत अच्छा बैठता ही है सो दैट इज अनदर ऑप्शन जो कि आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो तो so थे मेरे छह आउटफिट जिनको आप लोग स्टाइल कर सकते हो टू क्रिएट एन ओल्ड मनी एस्थेटिक वाइब लेकिन थोड़ा सा मॉडर्न टच के साथ में जैसे मैंने आप लोगों को बताया एंड इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स एंड उसके अलावा भी जो प्रोडक्ट्स मेरे को पसंद आए जिससे आप लोग एक ओल्ड मनी लुक क्रिएट कर सकते हो उन सबके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं यू कैन चेक देम आउट कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज मेक श्योर दैट यू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों का फेवरेट लुक इन सभी में से कौन सा था ऑल्सो प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में पहुंच जाए उसके अलावा कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई सवाल कोई जवाब कुछ भी हो तो यू यूगा कैन रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम माई हैंडल इज द क्लासिक अफेयर सो ंटर नेक्स्ट टाइम प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ यू सेल्फ एंड मैं अब आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में सी यू ऑल